नमस्कार दोस्तों, जॉब अलीबाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, सुबह में जो है 4500 CHU की बहाली होगी और इसकी बहाली जो अगले माह नवंबर में मतलब शुरू होगी। और बताया जाए कि जो उपचुनाव हैं, जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, इनके कारण अभी भर्ती रुकी है और ऐसे में आचार संहिता के लिए जो है आचार संहिता लगा हुआ है। इस कारण से स्वास्थ्य विभाग अभी वैकेंसी जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेगा। उसके बाद इसमें बताया जाएगा कि जो 4500 CHU की बहाली होगी और स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि मतलब कि आचार संहिता होने के बावजूद भी चुनाव आयोग इसमें वैकेंसी जो जारी करने का अनुमति मिल जाएगा। और समान कोटे में रिक्ति नहीं होने के कारण हंगामा होने की वैकेंसी स्थगित की गई है। बाद में जो आरक्षण कोटा 50 से बढ़कर 65% मामले में वैकेंसी अटकी थी, अब राज्य सरकार ने जो है नीतिगत निर्णय के आधार पर 50% आरक्षण के आधार पर वैकेंसी जारी होगी। अब मतलब 65% के कारण अब मामला अब मतलब कि जो है लटका हुआ था, अब यह है 50% आरक्षण के आधार पर वैकेंसी जारी होगी। और BSc नर्सिंग पास अभ्यर्थी को जो है राज्य स्वास्थ्य समिति आवेदन लेगा, जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति होगी और प्रतिमाह 32,000 रुपये वेतन और 8,000 रुपये इंसेंटिव, 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। 42 से 47 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। बताया जाए कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 42 वर्ष होगी और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए 45 वर्ष होगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं पुरुष के लिए 45 वर्ष अधिक उम्र होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 43 वर्ष होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में अधिकतम जो है 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग में जुड़े कर्मियों को आवेदन 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा अपने दोस्तों जो शेयर कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।